विधायक जी, जैसा कि ये महासंक्रांति का महापर्व चल रहा है, इस पर आप लभुआ की जनता को क्या बताना चाहेंगे? लभुआ की जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, यह सनातन और सुशासन का स्वर्ण काल है। एक ऐसी सरकार है जो सुशासन की नहीं, सनातन परंपराओं, सनातन का मतलब है कि हमारी परंपरा में जो कुछ भी अच्छा है उसको निरंतर चलाते रहना ही सनातन का नाम है। खिचड़ी पर्व उसी में से एक है और इस समय पुराने से नए की तरफ हम प्रवेश करते हैं, शिशिर से बसंत की तरफ हम प्रवेश करते हैं। एक नई ऋतु का आधान होता है, एक नए रूप का आधान होता है। हम लोगों को सूर्य जैसे उत्तरायण हो रहा है, उसी तरह से हम लोगों को सूर्य की ऊर्जा से नई ऊर्जा लेकर के नई ऊंचाइयों को छूने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। विधायक जी, जैसा कि अभी 4 लेन का निर्माण लखनऊ से बनारस तक चल रहा है और कार्य जो है बहुत मध्यम गति से चल रहा है, इस पर जनता बहुत नाखुश है, इसके बारे में आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, इसको काम को तेज करने के लिए हर स्तर पर प्रयास चल रहा है। आपने देखा होगा कि माननीय नितिन गडकरी साहब से भी मैंने मुलाकात की और आपको दिख रहा होगा कि इधर गति पहले की तुलना में बेहतर हुई है। और कुछ जो है किसानों से भी संबंधित समस्याएं थी, चूँकि वे बहुत संवेदनशील होती हैं, इसलिए उनको भी निपटाने का दायित्व सरकार का था। उनको भी मुआवजे वगैरह से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनको भी निपटाना एक मुद्दा था, तो थोड़ा समय इन्हीं कारण से लगा, लेकिन अभी बहुत शीघ्र ही कंप्लीट हो जाएगा। माननीय जी से एक निवेदन, थोड़ा ये सुंदरीकरण के लिए हमारे गांव में जो चलती है, इसके सुंदरीकरण के लिए हम लोग सब लोग इसके लिए समवेत रूप से प्रयास करेंगे, इसके लिए समर्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।